वेलकम 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 बैक दोस्तों, और जैसा कि आप सब देख सकते हो, सो हे गाइस, इट्स मी एसपी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम खेलने वाले हैं स्काई वॉर्स, तो काफी मजा आने वाला है। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे। अरे यार, ये फिर आ गए भाई, दोस्तों निकलो ना, एक बार गाड़ी निकल जाएगी यार। कराची से अंदरूनी मुल्क, अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार भाई, दोस्तों निकल, गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। या लिटरली मतलब जब देखो कोई ना कोई सामने आ जा रहा है, मुझे वीडियो ही बनाने नहीं दे रहे हैं लोग। तो आज हम खेलने वाले स्काई वॉर्स, जैसा कि आपको पता ही है, एंड काफी अच्छा गेम प्ले करा है इस बार मैंने। आप सबको पता है मैं बिल्डर हूँ, पीवीपी प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस बार मैंने काफी अच्छा खेलने की कोशिश की है, एंड होपफुली आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी आप सब देख सकते हो। एंड यस, तो आज हम खेलने वाले स्काई वॉर्स, तो चलो अभी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो यस, ऑफकोर्स अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि खेलते समय मैं कैसे रिकॉर्ड कर लेता, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी लॉबी है, आई डोंट नो नेदर गेम्स में इतनी छोटी लॉबी क्यों है, मतलब लिटरली जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ 3 से 4 लोग ही होते हैं, या फिर मैक्सिमम 7 लोग आते हैं खेलने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था मैं यहाँ लॉबी में, एंड अभी गेम स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा हमारे साथ। और यहाँ पे लग चुका था नॉर्मल मोड, एंड सबसे पहले मैंने उस चेस्ट के लिए एम किया जो मेरे सामने है। ऑफ कोर्स नीचे वाली चेस्ट में शायद हमेशा अच्छी लूट होती है, लेकिन पहले मैंने सोचा कुछ भी मुझे गेयर मिल जाए, और यहाँ पे लिटरली मुझे 4 स्टैक अंडे मिल चुके थे। आई डोंट नो मैं इसका क्या करने वाला था, एंड हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट भी मिल चुकी थी मुझे, एंड यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लूट मिली मुझे, बस एक बोन ही दिख रहा था आसपास जो कि मुझे इस चेस्ट में मिल चुका था। एंड आई डोंट रिमेम्बर मैंने इस समय किया क्या था। तो बस यहाँ पे अभी मैं आर्मर वगैरह पहनूंगा, एंड थोड़ा सा अपनी इन्वेंट्री को सॉर्ट आउट करूंगा ताकि मैं ईजिली लड़ सकूँ। तो बस यहाँ पे मुझे आर्मर पहनना है, और थोड़ी सी एक्स वगैरह मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एंड अंडे काफ़ी सारे हैं इसलिए मैं हटा रहा हूँ, बस एक ही स्टैक रखूँगा अपनी इन्वेंट्री में, क्योंकि ऑफकोर्स 16 अंडे ख़त्म करना कोई इजी टास्क नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इन्वेंट्री को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, एंड होपफुली अभी मुझे कोई मारने ना आए, एंड इसके बाद मुझे देखने जाना पड़ेगा कि आसपास कौन कौन है। ऑफकोर्स फाइट स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लोग मार भी रहे हैं एक दूसरे को, एंड मैंने देखा कि सामने पे एक बंदा था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं वो मार के नॉक कर दूँ नीचे वॉइड में। एंड ऑफकोर्स उसे काफ़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ से उसे वो मार रहा हूँ, तो एक बार मैंने सोचा कि यहाँ से ही पीक करके मैं उसे मारने की कोशिश करूँ, लेकिन काफ़ी चालाक था वो, एंड ऑफकोर्स वो शायद एन्चेंटिंग ट्राई कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि उसके पास बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग भी थी। एंड मैंने सोचा कि अब मैं लगातार वो मारते रहता हूँ ताकि ये गिरी जाए। ऑफकोर्स उसकी एचपी बहुत कम हो चुकी थी सीरियसली, एंड वो पीक करने में लगा हुआ था, तो मुझे लगा सही रहेगा अगर मैं इसे मारूं। एंड यहाँ पे मैंने लगातार अंडे फेंकने शुरू कर दिए, एंड उसे अंडे से ही नॉकआउट कर दिया लिटरली। ये बहुत मज़ेदार मैच हुआ था, मैंने उसे अंडे से मारा है सीरियसली। ओके, तो आसपास मैं काफ़ी जगह देख रहा था, एंड यहाँ जो मेरा निशाना लगा है ना, सीरियसली मतलब ओपी वाला लगा है, एमएलजी वाला, एंड ऑफ कोर्स मैं जीत चुका हूँ यहाँ पे, तो बहुत इजी विन था है। मैंने लिटरली पता नहीं वो किस एंगल पे मारा कि वो डायरेक्टली उतनी दूर जाके लगा, एंड मैं कोई पीवीपी प्लेयर नहीं हूँ इसलिए मैं खुश भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैच में। ये वाला मैच जो होने वाला है ना, ये शायद इस वीडियो का सबसे बेस्ट मैच है, एंड बहुत मज़ेदार है। अभी वीडियो से भाग के कहीं मत जाना सही में, ये आपको देखना ही चाहिए। एंड इसमें भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे, ऑफकोर्स 4 ही आए हैं, एंड इनको ही मैं काफ़ी सारे लोग कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिटरली ज़्यादा ज्वाइन ही नहीं होते हैं। एंड आधे लोग कमेंट्स में बोल रहे होंगे कि मुझे दूसरे सर्वर में खेलना चाहिए जैसे कि हाइव, तो ये इसमें वहाँ भी खेलूँगा। एंड ये मैप पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद आया था, होपफुली शायद इसी वजह से, क्योंकि ये मैच भी बहुत अच्छा गया था। एंड यहाँ पे मैं चेस्ट की तरफ एम कर रहा था, लेकिन मैं भूल गया था चेस्ट कहाँ पे, तो सामने पे मुझे मिल गई थी। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेजेंडरी वेपन मिला मुझे जो कि है फिशिंग रॉड, एंड इससे अच्छा कुछ नहीं है सीरियसली स्काई वॉर्स में, एंड वो भी मिल गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एंड आर्मर भी मुझे थोड़ा सा डिसेंट सा मिल गया था, एंड पूरा लेदर आर्मर पहन रखा है मैंने, तो अब चेन की मैं चेस्ट प्लेट पहनने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस मुझे एक और हेलमेट मिल गया था, तो यहाँ पे मैं बस प्रिपरेशन कर रहा हूँ थोड़ी सी, जब तक मेरे आसपास वाले लोग करते हैं प्रिपरेशन। एंड यहाँ से अब मैंने देखना स्टार्ट किया बाकी की चेस्ट में, ऑफकोर्स यहाँ पे एक चेस्ट छूट गई थी मेरी, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया। एंड ऑफकोर्स एक आयरन स्वॉर्ड मिल गई थी, और जो मेरी स्टोन स्वॉर्ड थी उसमें शार्पनेस 1 थी, तो ऑफकोर्स मैं आयरन ही यूज़ करता क्योंकि उतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ना नहीं था।
उसके बाद मैंने सामने पे देखा तो मेरे सामने वाले आइलैंड पे एक प्लेयर है। अभी मैं यहाँ पे बस टाइम पास कर रहा हूँ फिशिंग रॉड फेंक के कि क्या वो वहाँ तक पहुँच पाती है नहीं, बस मैं ये चेक कर रहा था। एंड दूसरे वाले आइलैंड पे भी प्लेयर था तो यहाँ से बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था। एंड मैंने सोचा कि जो सामने वाला प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो भी उस साइड ऑब्जर्व कर रहा था, शायद वो मेन आइलैंड में रीच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे ब्रिजिंग कर लेता हूँ, और ये अपडेट इतना गंदा है ना, यहाँ पे ब्रिजिंग ही नहीं हो रही है सही में, स्पीड ब्रिजिंग। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि उसको पता भी नहीं है कि मैं आ चुका हूँ, एंड मेरे पास एक TNT था, तो मैंने सोचा इसके साथ लॉल करते हैं, स्कैम कर देते हैं थोड़ा सा, तो मैंने उसके पीछे TNT रख दिया। It was at this moment that he knew. एंड वो देख रहा है और वो फट गया। ये इतना बुरा मरा था ना सीरियसली, एक बार वो बंदा मैं हंसते रह गया था इस समय सही में। मतलब लिटरली उसने ना नोटिस किया ना कुछ, उसका ध्यान सीधा सामने वाला आइलैंड पे था, एंड इस तरह से मर गया वो बेचारा। मतलब एक बार वो लिटरली पहले देखता है पीछे की ओ TNT है, फिर वो चिल्लाता है अरे TNT है, और वो फट गया। तो यहाँ से मैंने ट्राई कर रहा था कि जो सामने बंदा है उसको मैं नॉक कर दूँ, क्योंकि वो ब्रिजिंग कर रहा था, एंड मैं नहीं कर पाया सीरियसली। मेरा जो निशान है वो फेल हो गया, बहुत बुरा वाला। तो पिछली बार का तो OG वाला निशाना लगा था, वो तो लग नहीं पाया। और अब वो यहाँ पे आइलैंड पे वापस आ गया था, तो मैं सोच रहा था उसे थोड़ा सा डैमेज दे दूँ ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा सा डर जाए और थोड़ा सा भाग जाए, ताकि मुझे यहाँ पे टाइम मिल सके थोड़ा सा सोचने का। एंड वो चले गया था पीछे की साइड, एंड किसी ने किसी को मार दिया, आई डोंट नो, उसको तो नहीं मारा था शायद। तो यहाँ से मैंने सोचा अभी मेन आइलैंड पे वापस चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड यस मैंने सोचा थोड़ी देर और बो से टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सफिशियंट एरोस थे इस फाइट के लिए। एंड अब वो बंदा लिटरली अंदर जा चुका था, तो यहाँ से तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं उसे मार पाऊँ। एंड मैं सोच रहा था कि कब ये बाहर आए और कब मैं इसे मारूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा अब अपने वापस जाना ही सही रहेगा अपने आइलैंड में, मुझे कमेंट्री करनी भी नहीं आती। ओके तो जो भी है, अब मैंने सोचा अपने आइलैंड पे मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सही एंगल होपफुली मुझे मिल जाएगा कि मैं किसी को मार सकूँ। एंड सामने भी मुझे बंदे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे बस एरो स्पैम करता हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैंने उसे सीधा नॉकडाउन कर दिया था, तो नॉकबैक से वो नीचे गिर चुका था वॉइड में, एंड उसको भी मैंने फिनिश कर दिया था। अब मेरे पास बस एक ही ओपोनेंट बचा था, जैसा कि आप देख सकते हो प्लेयर्स लेफ्ट 2 है, एंड वो बंदा भी उसकी लूट लेने के लिए शायद, या फिर देखने के लिए कि किसने उसे मारा, वो इधर पे आया। एंड मैंने उसे भी स्पैम कर दिया लिटरली वो से, एंड वो भी नॉकबैक से यहाँ पे ख़त्म ही हो गया था बस, लेकिन वो बच गया अनफॉर्चुनेटली। फिर भी मैंने वो मारना नहीं छोड़ा, एंड वो यहाँ तक भी आ गया था, लेकिन मेरा जो लास्ट वाला एरो है उससे वो नीचे गिर गया। तो ऑफकोर्स बहुत गंदा वाला जीत चुका हूँ मैं यहाँ पे। ओके तो अब बढ़ते नेक्स्ट मैच की तरफ, और ये मैच मेरे लिए उतना लकी नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स मुझसे इससे काफ़ी सीखने को मिला। एंड यहाँ पे मुझे डिसेंट सी लूट मिली थी, एक पोशन भी मिल गया था जो कि स्लोनेस का था, तो इसे मैं ओपोनेंट पे यूज़ कर सकता था। तो यहाँ मुझे ऊपर अच्छी लूट नहीं मिली, तो मैंने सोचा नीचे जाके ही देखता हूँ अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पे भी कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कहूँगा एक आयरन हेलमेट एटलीस्ट मुझे मिल चुका था। एंड पीछे भी एक चेस्ट थी जो मैंने अभी तक नोटिस नहीं की है, बाद में करूँगा ज़रूर। मैं सोच भी रहा था कि यहाँ पे बस दो ही चेस्ट हैं क्या, लेकिन जब मैं वापस गया नीचे तब मैंने देखा कि वो चेस्ट है। तो यहाँ पे बस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आसपास कोई है तो नहीं, एंड यहाँ से मैं सोच रहा था कि मैं ब्रिज करके सामने वाले आइलैंड पे चले जाऊँ, एंड होपफुली वहाँ पे मुझे कुछ अच्छी लूट मिल जाए। एंड इस अपडेट में मैं स्पीड ब्रिज नहीं कर पा रहा सीरियसली। वैसे आप लोगों में से कई लोग कहोगे वो मुझे करना ही नहीं आता है पहले तो, लेकिन नहीं, मैंने सीख लिया था एंड मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी है, मैंने यहाँ से सोचा जितना भी अच्छा सामान मुझे मिल सके मैं ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे सामने वाले बंदे ने नोटिस कर लिया था, एंड वो मुझे फिशिंग रॉड से पुल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं उसको ही ट्रोल करने में लगा हुआ था इधर उधर कूद के, बेचारे का निशाना ही नहीं लग रहा था सीरियसली। एंड बस मैं यहाँ पे सोच रहा था कि इसे स्नोबॉल से मारूंगा अगर ये ब्रिजिंग करने आता है तो, एंड वो इतना बेवकूफ़ था कि वो सीरियसली ब्रिजिंग कर भी रहा था, एंड मैंने उसे नॉक कर दिया वॉइड में बहुत ईजीली। तो एक ओपोनेंट चला गया था, एंड मैंने जब सामने नोटिस किया तो सामने ट्री के पास प्लेयर लड़ रहे थे सीरियसली। तो मैंने सोचा अभी इस आइलैंड पे वापस चलते हैं, एंड यहाँ से शायद मैं एक अच्छा एंगल बना पाऊँगा किसी को मारने के लिए, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि किसी ने यहाँ से ऑलरेडी ब्रिज कर रखा है। तो सामने दो प्लेयर्स थे, वो नीचे जा रहे थे, आई डोंट नो वाई, शायद वहाँ पे एन्चेंटिंग सेटअप था या कुछ, या फिर वहाँ कुछ लूट थी। तो मैं बस यहाँ से रास्ता ढूंढ रहा था नीचे आने का, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था यहाँ से नीचे कैसे आते हैं,
तो मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जो सेफ भी हो एंड उन्हें पता भी ना चले, ताकि मैं यहाँ स्लोनेस को पोशन मार सकूं एंड इन्हें ख़त्म कर दूं सीरियसली। तो इस बंदे पे मैंने पोशन भी मार दिया था एंड अब मैं यहाँ से बिल्ड करके जा रहा था ऊपर, एंड उसके पास एक बो था जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेरे लिए सीरियसली। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की उसे मारने की एंड उसने मुझे वॉइड में नॉक कर दिया। तो काफ़ी अच्छा खेला वो बंदा। वैसे मैं पीपी प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी अच्छा खेला एंड उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, जो कि मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैच की तरफ। तो मैं सोच रहा था कि इस वाली चेस्ट पे जाऊं सबसे पहले एंड स्टार्ट देखो हमारा कितना तगड़ा हुआ है। मतलब एनचेंटेड बो मिल गया था मुझे सीरियसली स्टार्टिंग में, एंड ऐसा कुछ हो जाए स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहता है सही में। एंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की, मुझे लगा सामने वाले बंदे पे बो स्पैम कर दूं और उसे सीधा सीधा ख़त्म कर दूं, एंड ख़त्म हो भी चुका था। तो वो बेचारा ऐसे ही मर गया, मतलब उसे इससे पहले कि उसे रियलाइज़ होता कि मैं उसे मार रहा हूँ यहाँ से, वो ख़त्म हो चुका था। तो बेचारा RIP। एंड यहाँ पे मैंने एक एरो वेस्ट करा फालतू में। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि आसपास का अगर कोई मुझ पर अटैक भी करता है तो मैं संभाल लूँगा उसे। एंड सामने उसकी लूट पड़ी हुई थी, एंड यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या उसके पास कोई काम की चीज़ है जो कि मैं लेने जा सकूँ। एंड मुझे वहाँ पे कुछ पोशन दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्या पता वो कुछ ना कुछ हमारे काम तो आ ही सकते हैं। एंड आसपास भी मैंने देखा तो कोई मुझ पर बोत आने नहीं बैठा हुआ था, इसलिए मैं आराम से ब्रिज करके जा रहा था सामने। एंड स्पीड ब्रिजिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको पता ही है। तो यहाँ पे मुझे एक पोशन मिला था एंड सामने से इस बंदे ने लिटरली मुझे ऐसा मारा है ना, ख़त्म हो गया था मैच ही लिटरली सही में। एंड मुझे पता नहीं था ये कहाँ से आया कब आया, शायद ये स्पीड ब्रिजिंग करके आया। इस वाले मैच में मैंने बहुत ज़्यादा नूब वाला खेला है, लेकिन सही में ये तगड़ा मैच था बहुत। ओके, तो ये रहा आज का फाइनल मैच एंड प्रोबेबली सबसे बेस्ट मैच अगर स्ट्रैटेजी को देखते हुए हम जज करें तो। तो सामने वाली चेस्ट में मेरा बिल्कुल निशाना था एंड यहाँ पे मुझे गोल्डन स्वॉर्ड मिल चुकी थी, तो ज़्यादा डिसेंट लूट नहीं मिली मुझे इसमें। ऑफकोर्स गोल्डन एप्पल काफ़ी सारे मिल गए थे, लेकिन आर्मर बहुत घटिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल पे पता नहीं क्यों टैप किया है, मुझे खुद नहीं पता। एंड यहाँ पे मैं देख रहा था कि कोई चेस्ट तो नहीं है, लेकिन नहीं थी। तो यहाँ पे मुझे एक और चेस्ट मिल गई एंड इसमें रखा हुआ था स्पेशल वेपन जो कि हमारा बो, एंड बहुत मैटर करता है सही में किसी भी स्काईवॉर्ड्स मैच में, क्योंकि बो होना एक अपने आप में एक एडवांटेज है। उसके बाद मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था कि कौन कौन मेरे आसपास है, एंड मैंने राइट वाले आइलैंड में देखा तो एक बंदा ऑलरेडी दूसरे बंदे से मार खा रहा था या मारामारी चल रही थी। तो मैंने सोचा यही सही मौका है सामने वाले आइलैंड पे जाने का, लेकिन जब मैंने राइट पे देखा तो वो बंदा मुझ पे बो से एरो मार रहा था। सीरियसली मैं बच गया। एंड यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सही में, उसको पहले ही मैंने चौकन्ना कर दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। ऑफकोर्स अगर वो थोड़ा सा और आगे आता तो मैं उसे नॉक कर सकता था सीधा, एंड वो 3 HP पे बच गया। मुझे बहुत बुरा लगा सही में इस बात का। एंड यहाँ पे मैं चेस्ट तक रीच करने की कोशिश कर रहा था, मुझे काफ़ी सारे एरो मिल गए थे एंड यहाँ पे किसी ने मुझे मारा। मेरे समझ नहीं आया मुझे किसने मारा, मुझे लगा राइट वाला बंदा मार रहा है, लेकिन नहीं, लेफ्ट वाला बंदा था। एंड लेफ्ट में जो मेन आइलैंड है वहाँ पे एक और था इम्पोस्टर कहीं का, मुझे मार रहा था। एंड मैं दोनों साइड से घिर चुका था सही में। तो जब तक मैं राइट वाले बंदे से फाइट ले रहा था, मुझे लेफ्ट से भी पड़ रही थी। अब मैं सोच रहा था ये बंदा इतना डैमेज कैसे कर रहा है, मैंने तो सही में एक ही एरो खाया। बाद में मैंने नोटिस किया कि लेफ्ट से भी कोई मार रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे अगर मैं पॉन्ड में चले जाऊँ तो थोड़ा सा सेफ रहेगा मेरे लिए। एंड अभी मेरे पास काफ़ी रेस्पिरेशन थी एंड उस बंदे को सही में पता भी नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा था इस समय। 3.8 HP, बार बार वो बच जा रहा था सही में। मैं उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, बहुत ढीट था वो एंड मुझे मारने पे लगा था। यहाँ पे मैंने अपने सारे गोल्डन एप्पल यूज़ किए हैं सही में, एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने यूज़ किए। मुझे लग रहा है मैंने सही ही किया कि इन्हें यूज़ किया। वो बेचारा यहाँ तक पोशन फेंकने की कोशिश कर रहा है सीरियसली, इतने डिस्टेंस पर अगर पोशन जाते तो मैं उसे ऑलरेडी ख़त्म कर चुका होता। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा उसे कन्फ्यूज करने के लिए मैं आगे ब्रिजिंग करता हूँ, ताकि वो सोचे मैं उस पर रश कर रहा हूँ एंड जब वो बाहर आए तो मैं उसे बो से मारूं। लेकिन नहीं, वो नहीं देख रहा था। एंड यहाँ पे मैं लिटरली इतना गंदा बचा हूँ ना, इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कोई मुझे लेफ्ट से भी मार रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर से गोल्डन एप्पल लिया एंड लेफ्ट साइड देखने की कोशिश की कि मुझे सही में मार कौन रहा है। एंड इसको भी मैं मारने में लगा हुआ था धीरे धीरे सही में। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मैं सही में गिन ना लाऊं। एंड एक और नियर मिस, बचते बचते मैं बच गया, रह नहीं गया, बच गया।
तो यहाँ पे मैंने नोटिस कर लिया था कि लेफ्ट से भी कोई मार रहा है। मैंने सोचा इसको भी एक एरो मारा जाए ताकि ये डरे तो कम से कम हमसे। तो वो थोड़ा साइड को डाइवर्ट हो गया था, शायद वो मुझे फिनिश करने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ मैं बिल्कुल घिर चुका था सही में, पीछे से ये मार रहा है, उधर से वो मार रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लास्ट वाला गोल्डन एप्पल भी मैंने यूज़ कर लिया था। ये जो फाइट थी सही में बहुत इंटेंस थी। तो ये वाला बंदा फोर्ट बना रहा था यहाँ पे एंड लिटरली हाई ग्राउंड लेके मुझे बो से मारने की कोशिश कर रहा था। ये जो सामने वाला बंदा है इसने वैसे काफ़ी अच्छा खेला है। एंड एट लास्ट आप फिर से देख रहे हो कि वो 3 HP पे फिर से बच जाता है। ये बंदा कुछ नहीं कर रहा था सही में, जैसी इसकी 3 HP के आसपास हो रही थी नीचे आके हील कर रहा था। मुझे लगा यहाँ पे कि मुझे इस पे रश करना चाहिए, लेकिन नहीं, काफ़ी देर हो चुकी थी। एंड उसे पता चल गया था वो यहीं पर था अपने फोर्ट में। एंड यहाँ से मैंने सोचा उसे स्वॉर्ड मार के मैं ख़त्म करूँगा। मैंने उसे नॉक बैक दे दिया, वो नीचे गिर गया एंड ख़त्म हो गया। लेकिन वो यहाँ पे लावा डाल गया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नर्वस सा हो गया था एंड मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी कि इसने लावा डाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में मैं उसका सोर्स ब्लॉक हटा सकता था। एंड यहाँ पे मेरी HP बहुत कम हो चुकी थी, पता नहीं कौन कौन कहाँ से मार रहा था सीरियसली। एंड यहाँ पे मैं हेल्थ रीगेन भी नहीं कर सकता था क्योंकि ना मेरे पास गोल्डन एप्पल था। रीगेन कहना सही नहीं रहेगा, वैसे रीजनरेट कहना चाहिए। यहाँ से मैं उसे गिरा सकता था अगर मेरा निशाना इस बार लगता सही में तो, लेकिन नहीं लगा, वह एस्केप कर चुका था। एंड मैंने कोशिश भी की फिर से कि उस सामने वाले आइलैंड पे जाके अगर वो ब्रिज करे तो मैं उसे मारूं। एक शॉट तो उसे लगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं उसे नॉकडाउन नहीं कर पाया वॉइड में। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि मेरे पास सामान कितना है एंड क्या क्या मैं अभी ऑल ले सकता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि वो शायद मुझे अभी अटैक करेगा, लेकिन नहीं, उसका ध्यान कहीं और था, वो शायद कहीं और लूटने के लिए चला गया था। तो मैंने धीरे धीरे लावा के साइड से जाके यहाँ पे लावा का सोर्स ब्लॉक हटाया ताकि जो मेरा ओपोनेंट है मैं उसके आइलैंड पे तो जा सकूँ और देख सकूँ कि क्या उसने कुछ काम की चीज़ वहाँ छोड़ी है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो धीरे धीरे करके मैं सामने वाले आइलैंड पे गया एंड वहाँ मैंने देखा कि वो दो बंदे लड़ने में लगे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे सामने सामने टेक्स्ट आ गया था कि सारी चेस्ट रिफिल हो चुकी है और मिलने बहुत अच्छा मौका था क्योंकि मुझे यहाँ पे फूड मिल चुका था एंड 4 एप्पल मिल गए थे सीरियसली। तो एक बहुत अच्छी बात है, मैंने एप्पल को खाया एंड मैं मौका ढूंढ रहा था बस कि मैं बाकी सारी चेस्ट को लूट सकूँ। ऑफकोर्स मेरे सामने ओपोनेंट था तो मैंने सोचा कि पहले नीचे देख के आते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा उसका ध्यान नहीं है तो यहाँ से मैं छिप कर भी चेस्ट खोल सकता हूँ। तो मैंने इसको खोला एंड यहाँ पे मुझे दिखा एक लेजेंडरी वेपन जो कि अपना फिशिंग रॉड। एंड इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए सही में, स्काईवर्ड्स में पता नहीं कब काम आ जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन फिशिंग रॉड सही में बहुत काम का टूल है। तो यहाँ से मैं उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बो मार रहा था ताकि वो थोड़ा सा अपना एक स्ट्रक्चर बना ले और छिप जाए वहाँ पे। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे वो ब्रिजिंग कर रहा था तो मैं सोच रहा था उसे शायद गिरा दूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपना सामान लेने की कोशिश की, थोड़ा सा अरेंज कर रहा था एंड मुझे बिल्डिंग के लिए ब्लॉक्स भी मिल गए थे जो एक अच्छी बात है, मेरे पास बहुत कमी हो रही थी। एंड यहाँ पे मैं लेदर पैंट्स क्यों उठा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत तगड़ी स्वॉर्ड थी गोल्डन ऑलरेडी तो मैंने उसे रिप्लेस नहीं किया। यहाँ से मैं ट्राई कर रहा था कि एरो लग जाए, उसकी HP थोड़ी कम हो जाए तो शायद मुझे रश करने में हेल्प मिले, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास एक लावा बकेट थी जो कि बाद में बहुत काम आने वाली थी। तो यहाँ पे जितना भी आर्मर था मेरे पास वो मैंने कलेक्ट किया एंड पहन लिया। एंड अब मेरी हंगर भी फुल हो चुकी थी एंड अब मैं रास्ता देख रहा था बस कि कैसे भी करके मैं उसे मारूं। तो यहाँ पे जो बंदे ने फोर्ट बनाया था मैं इस पे चढ़ के देख रहा था कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, क्या मैं उसका ध्यान बटा सकता हूँ। एंड मैं बो से लगातार फायर करने की कोशिश कर रहा था, फायर क्यों बोल रहा हूँ, शूट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे एरोज आ चुके थे। तो यहाँ पे मैंने 2 एरो मारे एंड मैं सोचने भी लगा था कि वहाँ तक मुझे कैसे पहुँचना चाहिए। तो बाद में मैंने सोचा कि सेफ यही रहेगा कि मैं साइड से निकल लूँ। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ऊपर मैंने टाइमर देखा तो 3 मिनट बाद गेम ख़त्म होने वाला था एंड मेरे किल्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बैठ बैठ कर मारने का, मुझे शायद निकल ही लेना चाहिए। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा एरो फायरिंग की एंड मैं राइट साइड से निकल रहा था। तो यहाँ पे मैं छिपके बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था पर उसने मुझे देखा नहीं एंड मैंने भी ये नोटिस किया कि उसका ध्यान नहीं है। तो मैंने सोचा चुपचाप यहाँ से साइड से ब्रिज बनाता हूँ और निकल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी प्लेस थे एंड वो नोटिस नहीं करता जो भी हो जाए। एंड वो भी शायद वहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में रहा क्योंकि इस चेस्ट में भी काफ़ी सारी लूट थी एंड ऑफकोर्स मुझे एरो फिर से मिल चुके थे तो एक बहुत अच्छी बात है। वहाँ थोड़ा सा खाना भी था पर क्योंकि मैच ख़त्म ही होने वाला था तो मुझे लगा नहीं कि मुझे खाने की ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैंने ज़्यादा लूटा नहीं।
एंड एरोज फिर से आ गए थे, तो मैं फिर से मारना शुरू किया, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया एंड यहाँ पे मैं ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। काश मैं इसमें स्पीड ब्रिजिंग कर पा रहा होता सीरियसली, तो बहुत जल्दी मैं उसे फिनिश कर पाता। तो पहुंच चुका था मैं सामने वाले आइलैंड पे, जहाँ पे और बहुत सारी चेस्ट थी, तो मैंने सब में तो नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं था। एंड इस वाली में मुझे TNT मिल गया था सीरियसली, एंड स्ट्रेंथ का पोशन जो कि बहुत काम आने वाला था। अगेन मुझे थोड़े से और एप्पल्स मिल गए थे और अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो अब मैंने सोचा कि स्ट्रेंथ का पोशन पीने का बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि मैं डायरेक्टली उस पर रश करने वाला था और वो सामने वाले आइलैंड पे ही आ चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लिटरली मतलब उसकी 8 HP हो गई थी एंड मुझे लगा शायद मैं इसे पुल कर सकता हूँ, तो वो भी शायद कुछ प्रिपेरेशन कर रहा था, आई डोंट नो, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड थोड़ी HP उसकी जा चुकी थी, वो थोड़ा सा डर गया था एक्चुअली, एंड मैंने सोचा यही सही टाइम है ब्रिजिंग करने का, तो यहाँ से मैंने ब्लॉक प्लेस करने शुरू कर दिया एंड उसके आइलैंड पे सीधा रश कर दिया। अभी सामने बहुत इंटेंस होने वाला है एंड मैं बहुत डर गया था सही में इस टाइम पे, मुझे लगा मेरा गेम ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैंने जो किया है ना सीरियसली, मैं सामने गया एंड उस बंदे को पता नहीं कैसे पता चल चुका था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैंने TNT प्लेस किया और भाग गया। वो भी पैनिक कर गया, मैं खुद पैनिक हो गया एंड यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी करी है वैसे मैंने, तो यहाँ पे मैंने लावा डाल दिया। मुझे पता था कि अगर मैं TNT रखूँगा नीचे तो पक्का केव में भागेगा, और मैंने यहाँ पे लावा डाल दिया तो वो थोड़ा सा और कन्फ्यूज़ होगा कि अब मैं ऊपर कैसा हूँ, तो बेचारा यहाँ माइन करके अंडरग्राउंड चला गया सीरियसली। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि अब ये कोई ब्लॉक तोड़ के अचानक ऊपर आके मुझे वॉइड में नॉक कर दे, इसलिए मैं पूरा ध्यान उसी पे रख रहा था। तो यहाँ पे उसने एक डर्ट ब्लॉक लगा दिया, तो मैंने पहले सोचा कि एक बार मैं यहाँ पे वीकनेस का पोशन डाल के देखता हूँ कि अगर ये यहीं पे खड़ा होगा तो इसको वीकनेस भी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे नहीं खड़ा था। तो मैंने सोचा ये बिल्कुल सही टाइम है रश करने का, मेरे पास एक अच्छी खासी स्वॉर्ड भी है। एंड यहाँ बेचारा डिप्रेशन में बैठा हुआ था पता नहीं क्यों, मैंने उसे सीधा नीचे नॉक कर दिया एंड एक और तगड़ी विक्ट्री हमारे पास। तो काफ़ी अच्छा खेला है मैंने शायद इसमें यहाँ पे, एंड बहुत सही मैच था सही में, बहुत मज़ा आया खेलने में एंड होपफुली आपको भी देखने में मज़ा आया होगा। तो गाइज आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, शायद कुछ सीखने को भी मिला हो, वैसे मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो बिल्डर हूँ। बट सीरियसली अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो एंड इंटरेस्टिंग लगी हो तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना क्योंकि आप में से कई लोगों ने दबा नहीं रखा है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसका Part 2 भी लाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड लाइक तो कर ही देना, उससे मैं ज़रूर समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, एंड यार ये लोग वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो हम मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।